हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम हमसा फ्रॉम टीएचडी डेवलपर्स। ओके गाइस, आज आगे मूव करते हैं। आज हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में पहले हमारे पास आ जाती है ब्लॉक प्रॉपर्टी। ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है उसको इनलाइन, जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसको ब्लॉक के अंदर कैसे शो करवाना। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं कि अगर आप उसको लिखोगे तो उसने उतनी ही जितनी जितना उसका कंटेंट है उसने उतनी ही विड्थ देनी है, उसने पूरे फुल पेज की विड्थ नहीं देगा वो। ठीक है, तो जैसे ए है, ये ब्लॉक लेवल इन लेवल इसकी वीडियो जो है वो बन चुकी है। एचटीएमएल के अंदर मैंने ये बता दिया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने डी वो स्पैन को स्प्लेन किया था। तो इसी तरह ये ए जो है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, हम इसको ब्लॉक के अंदर ले जाएंगे। तो चेक करते हैं इसको। ओके, मेरी फाइल खुली है। यहाँ पे मैं ए क्रिएट करता हूँ। ए लिंक आर ई एफ कोई भी नहीं है हमारे पास। इसको मैं लिख लेता हूँ गूगल, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ये आ गया गूगल मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग करता हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड कलर से पता लगेगा कि ये इनलाइन है या ब्लॉक है। बैकग्राउंड कलर इसको मैं रेड दे देता हूँ। ओके, रिफ्रेश। अब देखिए गाइस, अब इसने विड्थ जो है जितना कॉन्टेंट है उतनी ही विड्थ ही है, मतलब ये इनलाइन एलिमेंट है। तो इसको अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ, डिस्प्ले ब्लॉक, आप देखें आप इसने पूरे पेज की विड्थ ली है, मतलब ये कि पहले ये इनलाइन था, अब ये ब्लॉक हो गया, अब ये ब्लॉक लेवल बन गया हुआ है। इनलाइन और ब्लॉक लेवल का उसको जानने के लिए आप मेरी जो पुरानी वीडियो है डेवोस मैन वाली, उसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास है इनलाइन प्रॉपर्टी, यानी ये पिछली प्रॉपर्टी का ओल्ड है कि आप इस ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन में लेके जा सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एक एलिमेंट होता है लिस्ट का, लिस्ट का आप जो है वो ब्लॉक लेवल होती है, उसको आप इनलाइन में कर सकते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। यूएल क्रिएट किया, इसके अंदर एल आई क्रिएट करता हूँ, उसका नाम होम रख लेता हूँ, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो ये आ गया। अब मैं जो हमारी लिस्ट है, जो लिस्ट है, लिस्ट वाला जो टैग है उसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड रेड देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश। ओके, सॉरी गाइस, आपको शो हो रहा है कि ये ब्लॉक लेवल है। ठीक है, तो इसको अब मैं ब्लॉक लेवल से ही लाइन में लेके आता हूँ, वो डिस्प्ले इन लाइन, रिफ्रेश। आप ये देखें, ये गाइस आपका इन लाइन जो है वो एलिमेंट बन चुका है, और एक लाइन के अंदर भी आ गया है, और ये इन लाइन जो है वो एलिमेंट भी बन गया है, क्योंकि आप ये उतनी ही स्पेस लेगा, उतनी ही स्पेस लेगा जितनी जितना ये कॉन्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको इन लाइन ब्लॉक कर देता हूँ, अब ये इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा। इसकी आप हाइट भी जितनी मर्जी देते जाओ, इसको हाइट मिलती है। अगर मैं इसको यहाँ पे हाइट देता हूँ 30 पिक्सल, तो ये देखेगा इसको हाइट नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर इसको इनलाइन ब्लॉक कर दो आप, क्योंकि जब आप इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, हाइट जो है वो ब्लॉक एलिमेंट्स में लगती है,
तो आप जब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो मतलब ये इनलाइन भी हो गया और ब्लॉक भी होगा, तो इसको फिर हाइट भी मिल जाएगी। अगर आप खाली इनलाइन करोगे फिर उसको हाइट नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे आ जाती है फ्लेक्स प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, तो मैं क्लास ले लेता हूँ नेम, ठीक है। उसके बाद एक और मैं डिव लेता हूँ, उसको मैं क्लास ले लेता हूँ सेक्शन वन, उसी के अंदर एक मैंने डिव लिया मेन, मेन के अंदर मैंने एक डिव लिया है तो उसका सेक्शन वन, मेन के अंदर ही मैं दूसरा डिव ले रहा हूँ उसको मैं सेक्शन टू कह रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम, मेन के अंदर पहले मैं यहाँ पे मेन को कॉल करता हूँ, तो मेन को कॉल किया, इसको मैं अभी इसकी सिर्फ मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट मैं देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। अभी मैं इसको कुछ नहीं आ रहा, सेक्शन वन है, सेक्शन वन को मैं हाइट दे देता हूँ 400, बल्कि इसमें एक नई प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है कि जो उसकी पेरेंट की है वो ही इसी की हो, ठीक है। यदि आप जो कि यहाँ पे जो सेक्शन वन है उसका पेरेंट है ये मेन, यानी कि ये वाले डिव का पेरेंट ये वाला डिव है, ये मेन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसको इनहेरिट हो जाएगी, वो यही प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी। और इसकी विड्थ जो है वो 50 पिक्सल रख लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, ये सेक्शन टू हो गया, इसका भी सेम है, इसकी कलर जो है वो ग्रीन कलर, ठीक है। अब प्रॉब्लम भी चेक करते हैं, प्रॉपर्टी प्रॉपर लीवर के गाल दे, डिव है 400 पिक्सल है, ओके है, बैकग्राउंड कलर ठीक है, ये भी ठीक है, ओके गाइस। यहाँ पे इशू ये था कि इसको पैक किया हमने, सेक लिख ली, ओके गाइस। ये हमारे पास देखें ये दो डिव आ गए हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे है, ठीक है। अगर इसको हम एक लाइन में लेके आना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें गाइस अब ये एक लाइन में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो है वो, आगे है नन प्रॉपर्टी। नन प्रॉपर्टी जो है ये ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ की जाती है। अब कैसे यूज़ की जाती है, ये जो आपका जो मैप बार होती है, मैप बार अगर मोबाइल के ऊपर आप ओपन करें तो वो साइड पे खुलती है फिर बंद हो जाती है। ये देखिए इसके आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिख लेता हूँ, तो ये हमारी साइड है, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए गाइस, अब ये जो साइड पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ये आ जाता है, मैं क्लोज करता हूँ ये चला जाता है। अब ये आना और जाना जो है ये डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वो लगाई गई है, ताकि वो शो हो तो उसके बाद क्लिक करो तो डिस्प्ले नन हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके से ये प्रॉपर्ली काम करती है। अब मैं हमारे पास जो है ये सेक्शन, ये जो डिव है इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ नन, डिस्प्ले नन, दो गाइस अब वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले नन कर सकते हैं।
लास्ट इसमें है कि डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी एंड डिस्प्ले, यानी कि विजिबिलिटी और डिस्प्ले डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में फर्क किया। अब आपने डिस्प्ले नन को पढ़ा, डिस्प्ले नन क्या करता है कि उसने एलिमेंट को हाइड तो कर देना, हाइडिंग एन एलिमेंट कैन बी डन बाय सेटिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू नन, द एलिमेंट विल बी हिडन एन पेज विद डिस्प्ले एलिमेंट इज नॉट देयर, यानी कि वो उसने पेज को आप ऐसे आपको उसने शो करवाना है कि वहाँ पे कभी ये था ही नहीं, यानी कि ना उसकी स्पेस जो है वो शो करवानी है कि यहाँ पे था कहाँ पे था कोई नहीं था, उसने बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना। लेकिन विजिबिलिटी जो हिडन होता है ये भी एलिमेंट को हाइड करता है, लेकिन ये आपको शो करवाता है कि ये इस जगह पे था, ये यानी कि वो जो स्पेस है वो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन वहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क है विजिबिलिटी और डिस्प्ले में, आपको इसको मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे अभी ख़त्म करता हूँ फिलहाल। ओके गाइस, अब मेरे पास जो है ये डिस्प्ले, अभी मैंने इसको नन नहीं किया रेड को, इसको मैं अगर नन कर देता हूँ, मैंने डिस्प्ले नन कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ, अब पेज मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो रेड जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है ही नहीं, उसने गेम ही ओवर कर दी भाई, यहाँ पे सब सबल ही पड़ा है, उसने कोई स्पेस पूछ नहीं हुई। बोला आगा ये डिस्प्ले मैंने ऐसे काम करता है, अगर मैं इसकी जगह पे विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ, विजिबिलिटी हिडन, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखें उसने रेड कलर को तो हिडन कर दिया है, लेकिन उसके साथ वो ये भी बता रहा है कि भाई यहाँ पे कोई एलिमेंट है लेकिन वो आपने हिडन किया हुआ है। ठीक है, अब वो ये नहीं करेगा कि उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, वो उसको पेज से ही पेज से निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये फर्क है विजिबिलिटी हिडन में और डिस्प्ले नन में। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगी नेक्स्ट, वो पोजीशंस पे होगी। पोजीशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपने जो है वो सीएसएस की मेन प्रॉपर्टीज में से वो भी एक मेन प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछे, या लोग को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।